हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक्सेल पे कोई डेटा है उसको कैसे प्रिंट करें, क्योंकि प्रिंट करने पे एक प्रॉब्लम आता है वो मैं डिस्कस करूँगा, और एक स्लिप कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरा पूरा डिस्कस करूँगा। और एक स्लिप पे आपने देखा होगा जितना भी स्लिप प्रिंट होता है उस पर कंपनी का नाम हो या मेडिकल शॉप वगैरह अगर आपके पास हो तो उन चीज़ों का नाम होता है और नीचे सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे पास डेटा है जो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में है, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, क्वान्टिटी है। इस चीज़ को हमें प्रिंट करना है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझो। देखो, पेज लेवल पर जा करके हम ना ये प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट एरिया का, इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं। कंट्रोल F2 प्रेस करो प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, यानी पहले से मैंने इस पर कुछ काम किया है, ठीक है, तो वो चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये आपका प्रोडक्ट सेलिंग दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा आ रहा है क्योंकि एक पेज पे जितना वर्क होगा वो सब दिखेगा। हमें ये चीज़ चाहिए प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है, इतना ही केवल चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा होता है प्रिंट एरिया, सो सेट करो, इस पर सेट हो जाएगा। तो अब इसको कंट्रोल F2 प्रेस करो आप, अब आपको दिखेगा केवल इतना मैटर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मार्जिन जो बहुत ही लेफ्ट से बहुत ही पास में है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से थोड़ा छोड़ करके ऊपर से मार्जिन है, टॉप से मार्जिन छोड़ करके थोड़ा नीचे रहे, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नाम हो और स्लिप के नीचे सिग्नेचर वगैरह हो, है ना। तो उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, चलो दिखाता हूँ कैसे करना है इस पर काम। आपको प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करना है, प्रिंट एड्रेस पे आप क्लिक करो, आप प्रिंट एड्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है हीडर एंड फूटर, सो इस पे आप क्लिक करना कस्टम हीडर, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐड कर लो पेज नंबर, यहाँ पे ऐड कर लो पहले डेट नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेट, डेट इंसर्ट कर लिया, इसमें लगा दो पेज नंबर, और यहाँ पर लगा दो कंपनी का नाम, जो मेडिकल शॉप कोई भी आपके पास है तो वो लिख दिया, या कोई भी कंपनी आपके पास कोई भी हो, हम लिखा है राज किराना, ठीक है, हम लिख दिया, या फिर किराना हाउस लिख सकते हो, या राज कम्युनिकेशन लिख दो आप, कम्युनिकेशन, ओके करो। इसके बाद यहाँ पे फोटो जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करो, और फोटो में अपने सिग्नेचर कर दिया, या लिख दिया ओनर सिग्नेचर, ओनर सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ लिख दिया कस्टमर सिग्नेचर, कस्टमर सिग्नेचर, ओके करो आप, और यहाँ से ओके कर दो। ये चीज़ इस पर दिखेगा नहीं, जब आप कंट्रोल F2 प्रेस करोगे आपको ये स्लिप देखा, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है डेट और राज कम्युनिकेशन का नाम, और यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा होगा, और नीचे इसके एक चीज़ मैं दिखा दूँ इसको, बट इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ, वेट, ये आपके जो नीचे जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है काउंटर सिग्नेचर और यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर है, वो आपके बिल पे आएगा। अब मैं दिखाता हूँ ये जो हमारे पास जो मैटर है, ये जो डेटा है, इसको मार्जिन कैसे सेट करते हैं वो चीज़ समझो। तो यहाँ पर हम जाते हैं बैक साइड, और बैक जाने के बाद अब देखो यहाँ पे लिखा है मार्जिन, मार्जिन पे क्लिक करना, और यहाँ पे कस्टम मार्जिन होगा, इसको भी क्लिक कर लो, और इसके बाद यहाँ से लेफ्ट से चाहते हो कि थोड़ा दूर से हो, मतलब जितना गैपिंग करना चाहते हो, और टॉप से इसको डाउन करना चाहते हो, ठीक है, जिससे स्लिप होता है। अब प्रीव्यू चेक करना चाहते हो क्लिक करके देख लो, यहीं पर आपको कैसा दिखेगा, ये दिख रहा है आपको पोजिशन, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इसको चेंज करना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ वापस जाओ और इसको सेट कर लो वापस, जो बहुत ज़्यादा चला गया था, ठीक है, ओके कर लो। यहाँ से चेक कर सकते हो प्रिंट पे भी डायरेक्टली आप, देखो ये आपका स्लिप जो है ना एक अच्छी पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन को आप ना सेट कर लो, फिर से एक बार सेलेक्ट किया, एरिया को सेट किया, सेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो पेज रहेगा A4 साइज़ होगा। देखो मेडिकल शॉप वगैरह में, किराना शॉप हो गया, तो इनमें A4 का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी और भी आप लीगल साइज़, लेटर साइज़ जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है।
तो ये रहा वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा था।